थोड़ी सही लग रही हूँ ना, मैं बालों वालों की पूरी सेटिंग करके पूरा ड्रेसअप और प्रेजेंटेबल होके मैं वीडियो बना रही हूँ। लास्ट वीडियो में आप लोगों ने मुझे बहुत ट्रोल किया और मुझे भी बाद में बहुत हंसी आ रही है खुद को देख के, मेरे हाल कैसे हो रहे हैं, बाल ऐसे निकले मैं ऐसे निकले मैं। अरे मैं हूँ थोड़ी सी झल्ली सी, अगर मेरा काम कोई रुका हुआ होता है किसी वजह से कि मैं कैसी दिख रही हूँ, ऐसी दिख रही हूँ, मेरे बालों की सेटिंग नहीं हो रही, तो मैं परवाह नहीं करती, मेरा फोकस मेरा उस काम पे होता है। बाद में मुझे भी हंसी आ रही है उस वीडियो को देख के, चाहे वो शॉर्ट वीडियो हो या वो 8 मिनट की लॉन्ग वीडियो हो। सही में मेरी हालत तो बुरी लग रही है उसमें, जैसे मुझे खुद ऐसा लग रहा है मैं सोकर उठकर वीडियो बना रही हूँ। उस वक्त नहीं ध्यान गया, उस वक्त तो बस बना दी। चलिए आज की वीडियो का टॉपिक है कि दूसरी बार कैसे खड़ा करूं, या पहली बार करने के बाद दूसरी बार खड़ा नहीं हो पाता, इसके बारे में बताइए। दो लोगों के बीच अगर आकर्षण और जोश पूरी तरह से भरा हुआ है तो दूसरी बार खड़ा करने में ऐसी कोई खास मशक्कत करनी नहीं पड़ती है, अपने आप खड़ा होता है। अब आकर्षण पहले जैसा रहा नहीं, मतभेद भी पैदा हो चुके हैं दो लोगों के बीच, वो पहली वाली अंडरस्टैंडिंग नहीं रही, तो दूसरी बार क्या पहली बार भी खड़ा नहीं हो पाता है। मतलब मन को बनाना पड़ता है, रिझाना पड़ता है, करने के लिए चीजें करनी पड़ती हैं। ये ह्यूमन नेचर है, ह्यूमन साइकोलॉजी है, क्योंकि दो लोगों के बीच में वो एक्साइटमेंट नहीं है ना, और एक्साइटमेंट ही तो इरेक्शन को लेकर आता है, तो इरेक्शन और एक्साइटमेंट का आपस में डायरेक्ट कनेक्शन है। अब मान लो कि आप दोनों के बीच में रिलेशन बहुत बढ़िया है, अंडरस्टैंडिंग मजबूत है और अट्रैक्शन भी एक दूसरे के प्रति बराबर है, उसके बावजूद भी अगर सेकेंड टाइम वो इरेक्शन नहीं आ रहा है, खड़ा नहीं हो रहा है, तो सोचने की जरूरत है। और इसमें सोचने की जरूरत ये नहीं है कि आप तनाव ले लो यहाँ पे। सेक्स के बाद थकान महसूस होना ये एक आम बात है, क्योंकि बॉडी में ऐसे कुछ हॉर्मोन्स रिलीज होते हैं जो ना केवल आपको रिलैक्स करते हैं फिजिकली और मेंटली, बल्कि आपको थकान भी महसूस कराते हैं। लेकिन ये ऐसी कोई थकान नहीं होती कि आप सेकेंड टाइम के लिए तैयार ना हो पाए, आपको थोड़ा सा एक रिफ्रेशमेंट की जरूरत होती है। एक मेल बॉडी और फीमेल बॉडी में यही तो एक अंतर है कि एक फीमेल बॉडी को सेकेंड राउंड के लिए तैयार होने के लिए ज्यादा टाइम नहीं लगता, लेकिन एक जो मेल बॉडी है उसमें एक रिफ्रेक्टरी पीरियड ये काम करता है। एक बार डिस्चार्ज होने के बाद उसको 5 मिनट 10 मिनट या 15 मिनट भी किसी को लग सकते हैं। आप अपनी बॉडी को रिफ्रेश कर सकते हैं, कोई हेल्दी जूस लेके लाइक अनार का जूस पी सकते हैं, ग्रेप्स खा सकते हैं। आपको कोई ऐसा भारी खाना नहीं खाना है, इस चीज से बचना है। आप कुछ हल्का सा एनर्जी ड्रिंक पी सकते हैं जो कि आपकी बॉडी को रिफ्रेश करेगा, आपके लिए एनर्जी बूस्टर साबित होगा, आपकी बॉडी की रिकवरी जल्दी होगी। और जो आपको थकान महसूस हो रही है ना, इसमें आप काफी राहत महसूस करेंगे, थोड़ा सा फ्रेश फील करेंगे। अगर फर्स्ट टाइम किसी का जल्दी डिस्चार्ज हो जाए ओवर एक्साइटमेंट के चलते, तो वो एक प्रेशर में भी आ जाता है कि यार अब पता नहीं सेकेंड टाइम कैसे होगा। तो ये वाला जो तनाव है ना, इससे आपको दूर रहना है, फिर तो कोई भी एनर्जी ड्रिंक कोई काम नहीं कर पाएगा आपके ऊपर। आपको यहां से इस स्ट्रेस को दूर रखना है। कभी कभी ये जो इरेक्शन इशू होते हैं ना, ये टेम्परेरी टाइम के लिए भी लोगों की सेक्स लाइफ को डिस्टर्ब करती है। जैसे मान लो कि आपको कोई मेडिकल इशू और आपकी हाई एमजी की गोली चल रही है, तो उस वजह से भी ये जो आप दवाइयों का सेवन करते हैं, ये आपकी सेक्स लाइफ को डिस्टर्ब करने का काम करती है। इरेक्शन आता जाता रहता है या ढंग से खड़ा नहीं हो पाता, लेकिन ये टेम्परेरी टाइम तक की चीजें होती हैं। जैसे आपकी दवाइयों का सेवन खत्म हो जाता है, आपको मेडिकल जो भी बीमारी थी वो ठीक हो जाती है, तो आपका इरेक्शन खुद ब खुद सुधर जाता है। तो कारण भी पहचानना बहुत जरूरी होता है कि अगर सेकंड टाइम खड़ा नहीं हो रहा है तो किस वजह से नहीं हो रहा है, क्या पता है ये टेम्परेरी डिस्टर्बेंस हो। इसी तरह से लोगों के साथ कोई शारीरिक कमजोरी भी हो सकती है। अभी लोगों का लाइफस्टाइल भी तो बिगड़ रहा है ना, खान पीन का भी तो तरीका बिगड़ रहा है, लोगों के सोने के टाइमिंग भी रेगुलेट नहीं हो पा रहे हैं, थके शरीर में कभी इरेक्शन आता है क्या ढंग से। इस तरह की कमजोरी को तो आप अपने खाने पीने की आदतों में बदलाव लाके, अपने लाइफस्टाइल में चेंज लेकर आके, बैड हैबिट्स को कंट्रोल करके, अपने सोने के टाइमिंग्स को रेगुलेट करके भी अपनी इस कमजोरियों को दूर कर सकते हो। जल्दी रिकवरी करना चाहते हो तो अश्वगंधा और शिलाजीत को अपनी डाइट में शामिल कर सकते हो, जो कि आपको इंटरनली मजबूत करने का, आपकी इनर स्ट्रेंथ को और ज्यादा मजबूत करने का काम करेगा। और फिर एजिंग फैक्टर भी तो कोई एक चीज होती है ना, बॉडी हमेशा एक जैसी नहीं रहती, इसलिए एक जैसा रिस्पॉन्स भी नहीं करती। धीरे धीरे आपके हॉर्मोन्स का जो लेवल है वो डाउन होता चला जाता है बढ़ती हुई उम्र के साथ, और आपके इरेक्शन में थोड़ा बहुत बदलाव आता ही है, वो पहले जैसा स्ट्रांग, पहले जैसा पावरफुल नहीं हो पाता, और सेकेंड टाइम भी इरेक्शन जल्दी से नहीं आ पाता। लेकिन ये वाले सिम्टम्स 55 या 60 के बाद ही देखने को मिलते हैं। अगर आपने खुद को तंदुरुस्त और अपने हेल्थ के ऊपर पूरा ध्यान दिया हुआ है तो आप ये आंकड़ा पार भी कर सकते हैं।
अब एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि भाई सेक्स जो है वो दो लोगों के बीच में होता है, ये दो लोगों की जरूरत है, ऑब्वियसली मेल और फीमेल दो लोगों की। ये किसी एक की जिम्मेदारी नहीं है कि मुझे सेकंड करना है, भाई उसकी भी तो जिम्मेदारी है जिसे सेकंड राउंड का मजा उठाना है, कि उसकी फीमेल पार्टनर की भी तो खुद से कोशिश होनी चाहिए कि उसे सेकंड राउंड के लिए तैयार करे, खासकर तब वो इसे जानती है कि हाँ उसे कोई एजिंग प्रॉब्लम नहीं है, अभी वो जवान है, आप दोनों एक ही हम उम्र के हैं, ना उसकी कोई मेडिकल इश्यू है, ना कोई फिजिकल इश्यू है, मतलब शारीरिक रूप से भी वो स्वस्थ है, बढ़िया जिम शिम पहलता है, लेकिन अगर नहीं हो पा रहा है सेकंड टाइम के लिए, उसका खड़ा नहीं हो पा रहा है, तो अपनी तरफ से कुछ करे ना एफर्ट। अगर एक लड़की होकर भी आप उसके अंदर वो करंट पैदा नहीं कर पा रहे, उसे एक्साइट नहीं कर पा रहे, तो क्या फायदा आपके लड़की होने का। ये शुरुआत में ही चलता है कि दो से तीन बार भी करे जा रहे हैं, लगे हुए हैं यार, जरूरत ही नहीं है, इरेक्शन बराबर है। जब दो जिस्म पुराने हो जाते हैं ना, तो अट्रैक्टिव बॉडी को भी अट्रैक्टिव दिखाना पड़ता है, और कम टाइम में जल्दी खड़ा करने का सबसे बेस्ट उपाय है अपना टंग प्ले करना, उसको ऑरल करना। 2 सेकंड नहीं लगेंगे, उसको इमीडिएट सेंसिटिविटी महसूस होगी और इमीडिएट उसका खड़ा हो जाएगा। ये बहुत ही नेचुरल तरीका है, खासकर वो दो लोग जो कि शारीरिक और मानसिक रूप से हष्ट पुष्ट स्वस्थ हैं, उनको अगर सेकेंड टाइम रेडी करने में दिक्कत हो रही है, तो ये नेचुरल तरीके अपनाओ ना, एक्साइटमेंट पैदा करो। एक्साइटमेंट पैदा होगी तो इरेक्शन अपने आप आएगा, क्योंकि ना तो आप शारीरिक रूप से कमजोर हो, ना ही आपके ऊपर बढ़ती हुई उम्र का असर है, और ना ही आप कोई मेडिकल इश्यू से परेशान हो, ना ही मेंटल स्ट्रेस लेकर बैठे हो। इट इज जस्ट एक्साइटमेंट की कमी है, वो फोर प्ले की कमी है। वो बेहतरीन फोर प्ले करो, अपने आप बंदा तैयार होगा। ये सिर्फ उसकी जिम्मेवारी नहीं है कि सेकेंड टाइम करना है, ये आपकी भी जिम्मेवारी है कि उसको सेकेंड टाइम के लिए रेडी करना है। लेकिन कुछ महिलाओं का तो क्या होता है ना, यार अच्छा है नहीं हो रहा खड़ा सेकंड टाइम, मैं तो आराम से बैठ के अब सोऊं, मेरे तो वैसे भी हिम्मत नहीं है। अगर इस तरह की चीजें मन में चल रही है, फिर तो क्या ही कोई कर सकता है, फिर तो वो जो आपका मेल पार्टनर है वो भी दुखी कि करने लायक ही नहीं हूं मैं तो, हो ही नहीं रहा इरेक्शन, और आप अपनी तरफ से कुछ एफर्ट डाल ही नहीं रहे हैं। फिर तो यही होगा कि हाँ पहले राउंड में अगर अच्छा हो गया, नहीं हुआ तो बस फिर देखेंगे कल परसों, यही होता है ना। सेकंड टाइम सेक्स के लिए तैयार होना ये आपके खुद के हाथ में है, पहचानो कि कमी कहाँ है। एक्साइटमेंट में कमी है तो फोर प्ले अच्छे से करो, अपने सेक्स करने के तरीके में थोड़ा बदलाव लेकर आओ, और अगर शारीरिक कमजोरी है तो उसके ऊपर काम करो, मेंटल स्ट्रेस को दूर रखो सेक्स करते हुए, और मेडिकल इशू है तो ऑब्वियसली वो दवाइयां जब तक चल रही है तब तक आपके इसमें थोड़ा सा टेम्प्रेरी इशू हो सकता है इरेक्शन को लेके। एजिंग फैक्टर भी इसके पीछे काम करता है, अगर आपने बढ़ती हुई उम्र में भी खुद को तरोताजा तंदुरुस्त रखा हुआ है फिर तो ये दिक्कतें नहीं होनी चाहिए, लेकिन अगर आपका 60-65 का आंकड़ा पार हो चुका है और थोड़ा सा हेल्थ इश्यूज भी रहते हैं तो ये दिक्कतें देखी जा सकती है। अदरवाइज सेकेंड टाइम खड़ा होना कोई बड़ा इशू नहीं है, बस दो लोगों की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, वो दोनों एक दूसरे के लिए तैयार रहने चाहिए, हो जाएगा।